ईरान का जो सेब भारत में यहाँ इस वक्त आ रहा है, ईरान के सेब ने जो है हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड का जो सेब स्टोर है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है प्रहार किया है। इस वक्त जो मंडी में दाम गिरे है उसका एक सीधा ही नुकसान जो है हम हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों को सीधा पड़ रहा है, जम्मू कश्मीर के किसानों को पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो इस वक्त हिमाचल का सेब स्टोर में है वो लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन के करीब सेब स्टोर है, और उस सेब से जो है ईरान का सेब बहुत सस्ते दाम पर यहाँ भारत में एंटर हो रहा है, और वो उसका सारा सिस्टम जो है इलीगल है, क्योंकि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो भी उसकी बचाई जा रही है, उससे जो है भारत सरकार के रेवेन्यू में भी नुकसान हो रहा है और साथ में हम किसानों का भी नुकसान उसकी वजह से हो रहा है। और लगभग ये जो यहाँ पर सेब ईरान का पहुंच रहा है वो 30 से 40 रुपए किलो पहुंच रहा है, क्योंकि वो जो है अपनी इन्वॉइस जो है वो बहुत कम रेट में काटते हैं, लगभग 20 सेंट या 30 सेंट क्या किलो, एक किलो के हिसाब से काटते हैं, जिसका की कीमत 14-15 रुपए किलो बनती है और उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी 6-7 रुपए बनती है, उस हिसाब से 20-22 रुपए किलो यहाँ भारत में वो कागजों के हिसाब से पहुंचता है, और उससे जो है जबकि उसकी कॉस्ट जो है वो लगभग 50 से 60 रुपए तो कम से कम होनी चाहिए, और जिससे कि हमारे यहाँ के जो है बागवान भी प्रोटेक्ट हो। और एक और बड़ी बात आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इसको तुरंत रोके, क्योंकि कीवी जो है कुछ महीनों पहले कीवी में जो है वहां से जो है क्वारंटाइन की वजह से रोक दिया गया, अगर उसमें कोई दिक्कत पाएगी तो सेब में भी अवश्य ये दिक्कत होगी, ये मेरा कहना है। और इसके साथ ही जो है हिमाचल प्रदेश में जो यहाँ बागवानी होती है उसमें बहुत बड़ा रोल जो है मार्केटिंग का जो सिस्टम है वो स्टोर के ऊपर कंट्रोल होना होता है, और अगर स्टोर में दाम नहीं मिलेंगे तो आने वाला जो सीजन होगा उसमें भी दाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे जो खरीदार है और आगे व्यापारी लोग हैं वो अगर उनको नुकसान होगा तो वो आगे वाले सीजन में हम ही से भरपाई करेंगे, ये मेरा आपके माध्यम से कहना है। भारत सरकार से विनम्र आग्रह है कि आप जो है इसमें तुरंत इंटरवीन करें और हम लोगों को जो है इस बड़ी मुश्किल से बाहर निकाले। पहला हमारा हक होता है भारत के जो हम उत्पादक है किसी भी उत्पाद के, अगर यहाँ उत्पाद की कमी होती है तभी इम्पोर्ट की इजाजत दी जानी चाहिए, अदरवाइज जो है हम लोगों को जो है इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये हमारा कहना है।